हेलो, कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल परी एटीज़ेड। आज मैं आपको साबूदाना की रेसिपी बता रही हूँ। बहुत ही हेल्दी रहती है, मतलब ये कि साबूदाना बहुत अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है और हेल्दी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम साबूदाना को भीगने रखेंगे। एक कप डाला है ये। ये देखिए दूसरा कप डाल रही हूँ और इसे हमें धोना है। मैं धोती हूँ इसे। ये देखिए मैंने धोया है इसे। अभी इसमें हम पीने का पानी डालेंगे। हमें पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, मैं बताती हूँ आपको। बस इतना ही डालना है कि ये बस इतना डूब जाए जितना। और हमें आधा घंटा इसे ऐसे ही रखना है भीगने के लिए। फिर उसके बाद आगे का करना। आधा घंटा हो गया है, चलिए देखते हैं हम। पानी पूरा ये कर दिया है। अगर आपको बीच में नी भी देखना है आधा घंटे के बीच में कि नीचे का ऊपर करना है तो वो आप कर सकते हैं। देखते हैं अभी हम। ये हो गया है क्या? ये देखिए पूरा ये हो गया है और दाने भी अक्के अक्के हैं और नरम भी हो गए हैं। इस तरह अक्के अक्के दाने रहना चाहिए। तो चलिए हो गया है ये। तो अभी हम इसके साथ क्या क्या डालना है इसमें तो वो अभी मैं आपको बता। ये देखिए ये इंग्रेडिएंट्स में डालना है। मूंगफली को मैंने भूना था और फिर छिलके निकाल के उसको दरदरा सा पीसा है, बारीक नहीं। और हरी मिर्ची मैंने 3 ली हूँ, तेज़ वाली है तो हम इतना ही तेज़ खाते हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा लेना। और कड़ी पत्ता लिया है, 5-6 लिया है कड़ी पत्ता। और उसको मैंने बीच में से काटा है, कोतमीर और एक आलू को बॉईल करके लिया है। और ये ज़ीरा है, इसको दरदरा सा मैंने पीसा है भून के। और एक प्याज मैंने बारीक काटा है, जैसे अंडे को काटते हैं। ऑप्शन है आपको डालना है डालना प्याज, नहीं तो नहीं। हम डालते हैं क्योंकि ये पूरा गांव स्टाइल है तो ऐसा बहुत टेस्टी लगता है। तो चलो सब मिलाते हैं हम। मूंगफली, हरी मिर्ची, जीरा, कोतमीर, कड़ी पत्ता, आलू मैश करना है इसे हमें। फिर सबको मिलाना है हमें। पूरा एक करना है हमें इसे। नमक भी मिलाना है हमें स्वाद अनुसार। फिर सब एक मिलाना है। ये देखिए मैं 4-5 मिनट इसे अच्छे से खूब मिलाया है। और अभी हम ढक के 5 मिनट इसे रखेंगे क्योंकि मसाला मिलने तक का। फिर बनाएंगे इसे। 5 मिनट हो गया है। अभी हम इसके वो टिकिया बनाते हैं। हाथ पे पानी या तेल लगाना पड़ेगा। मैं पानी लगा रही हूँ हाथ पे। आप तेल लगाना चाहते हैं तो तेल लगा सकते हैं। पहला हम ऐसे, आपको कितनी बड़ी साइज चाहिए वो, बड़े चाहिए एकदम, छोटे चाहिए या मीडियम चाहिए, जो वो हिसाब से मैं ये हिसाब लूँगी। इस तरह हम बना बना के रखते जाएंगे। फिर
इसी तरह हम सब बनाएंगे। ये देखिए मैंने बना दिया है, 2 कप साबूदाना में इतने बने हैं। तो चलिए अभी मैं गैस पे फ्राई बिन रखती हूँ तेल के लिए गरम। मैंने तेल फ्राई बिन में डाला है इतना, ज़्यादा मुझे डीप मतलब बहुत नहीं करना है, लिमिट में ही, तो मैंने इतना तेल डाला है। आपको अगर बहुत ही ज़्यादा तेल में तलना है तो आपकी मर्ज़ी है, गरम होगा तो हम ये डालेंगे। तेल गरम हो गया है तो मैं अभी गैस को स्लो करूंगी और ये डालूंगी। फास्ट में आपको गैस में नहीं डालना है और स्लो पे ही इसे पकाना है। इसी तरह आप जितने इसमें आते उतने डालना। ये देखिए मैंने डाल दी हूँ, एक टाइम में इतना आया है। थोड़ा पीछे के पक जाएंगे तो फिर हम पलटाएंगे, देखते हैं पीछे का हुआ है क्या। हाँ देखिए हो गए हैं, तो हम इस सब पलटा देंगे। इसी तरह सब पलटाएंगे हम। मैंने सब पलटा दी हूँ, जब तक साबूदाना वड़े हो रहे हैं हम चटनी बनाएंगे। चटनी बोले तो क्या, दही के साथ इसको खाते हैं। तो मैं बघार नहीं दे रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बघार मतलब ऐसा तेल का बघार डाला हुआ नहीं खाते। अगर आपके यहाँ ये सब बघार के डालना ना खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। मैं पुदीना के पत्ते डाल रही हूँ, थोड़ी शक्कर डाल रही हूँ, थोड़ा नमक डाल रही हूँ और ये दर दर पिसा हुआ भुना हुआ जीरा डाल रही हूँ और हरी मिर्ची चॉप करके रखा हुआ एक। जितना दही है वो हिसाब से आप हरी मिर्ची और वो डालिए। देखिए मैंने इतना गाढ़ा रखी है इसके साथ में खाने के लिए साबूदाना। अगर आपको बघारना है तो लाल मिर्ची और कड़ी पत्ता, जीरा और राई लेके आप बघार के भी डाल सकते हो इसमें। ये देखिए हो गए हैं साबूदाना वड़े, अभी मैं निकालती हूँ इसे। बाकी जो थे बचे हुए वो भी मैंने डाल दी। ये देखिए कितने फूले फूले हैं, मैंने इसमें कुछ सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डाला है, सिर्फ हाथ से ही इसे फेटा है। ये लीजिए मैंने पूरे साबूदाना फ्राई कर दिए और इसके साथ में मैंने बताया आपको ये चटनी है दही की, बहुत ही यमी लगती है। ज़रूर आप बनाइए और इस तरह से साबूदाना मतलब बनाइए आप। मैं जानती हूँ कि साबूदाना के वड़े तो शायद आते ही होंगे लेकिन मेरी तरीके से नहीं आते होंगे या आप या किसी को नहीं आते होंगे, तो ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही यमी रहते हैं। और साबूदाना तो ऐसा बहुत हेल्दी भी है, गरम है, बहुत गरम है, बहुत गरम है, नहीं तो मैं आपको खा के तोड़ के बताती थी। चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है, अगर नहीं भी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ज़रूर जो भी देखते हैं। दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। और ये गरम है तो मुझे अभी देना है तो लोग गरम गरम खाएंगे।